हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन 2D4 CAPF एग्जाम CAPF 2020 के लिए। CAPF के अंदर वैसे तो आपको जो मैंने लास्ट सीरीज बताई थी आपको प्रॉपरली, वहीं से आपका प्रॉपर मैथ का पेपर आने वाला है। बट कुछ बच्चों ने यहाँ पे बोला है कि मेंसुरेशन 2D एंड 3D भी पढ़ना है, तो उसके भी आपको यहाँ पे सेशन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर पेपर के अंदर आपके CAPF के क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन से, तो वो ईजी ही होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट वगैरह कुछ नहीं होगा एज कम्पेयर टू CDS। सारे बच्चे इजी वाला पार्ट को अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए और फॉर्मूले लगाने भी आने चाहिए। ये ना हो कि आपको फॉर्मूले याद हो गए, उसको आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा, ठीक है? अप्लाई करना भी सीखेंगे और मैं आपको कंपेयर करने वाले अप्रोच बताऊंगा कि कैसे कैसे कंपेयर हम कर सकते हैं, ठीक है? सारी की सारी वीडियो जो आज की होगी आपकी बेसिक ऑफ मेंसुरेशन 2D की होगी, कल और परसों भी आपके लिए 3D की क्लास भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है? आपके लिए ये वाली क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग सेशन है। मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको फास्ट फास्ट लगेगा, तो जो भी आपने नोट करना होगा वीडियो को पॉज कर करके आप सारा का सारा नोट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके फ्री कोर्स जो मैंने 8 बजे आपको चलाकर पहले दिया था, उसके अंदर एवरेज टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने CAPF ओरिएंटेड आपको प्रोवाइड करवा दिए और इनकी सबकी PDF भी आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है? ये सारे के सारे है आपके मैथ के क्वेश्चन। उसके अलावा रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग आपको मैंने कम्प्लीट यहाँ पे CAPF के बैच के अंदर ऑलरेडी करवाई हुई है। इसके अलावा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो भी मैंने यहाँ पे करवा दी है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इनकी जानकारी लेना चाहता है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पे आप ऑपरेट रहे, वहाँ पे आपको मैथ की सीरीज और रीजनिंग की सीरीज को मैं दोबारा से आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो सारे के सारे स्टूडेंट उसका बेनिफिट जो है वहां से आके ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे प्रॉपरली इसका बेसिक पॉइंट क्या क्या आपको पता होना चाहिए और कहां से आपका मेंसुरेशन का पॉइंट है वो शुरू होता है। मेंसुरेशन के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ डाटा हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए मेंसुरेशन 2D, कौन कौन चीजें आपको मेंसुरेशन 2D को बनाकर देंगे और क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन के 2D के अंदर हम दो चीजों को टारगेट करेंगे। पहला, हमें हर एक कंडीशन का एरिया पता होना चाहिए। दूसरा, हमें हर एक कंडीशन का पैरीमीटर पता होना चाहिए कि पैरीमीटर होता क्या है, ठीक है? और अगर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो ट्रायंगल के अंदर आपको हाइट पता होनी चाहिए, एल्टीट्यूड पता होना चाहिए, तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और मेंसुरेशन 2D के अंदर ये दो हम यहाँ पे क्वेश्चनों को ज्यादा टारगेट करेंगे। बट मेंसुरेशन 2D के अंदर एक हमारे पास सबसे पहला आता है पॉलीगन। पॉलीगन से भी पहले आता है हमारे पास यहाँ पे लाइन एंड एंगल, ठीक है? लाइन एंड एंगल के बाद आएगा पॉलीगन। पॉलीगन के बाद हमारे पास आएगा, शुरुआत करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल से, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। वैसे आपको नहीं पता कुछ बच्चों को, तो पॉलीगन की ही टाइप्स आपकी ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल, फिर हम पढ़ेंगे रोम्बस, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे पैरेललोग्राम, उसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रेपेजियम, ठीक है? और ये सारा डाटा पढ़ने के बाद हम 2D के अंदर एक पॉइंट और पढ़ेंगे, सर्कल का। इसको बोलेंगे कंप्लीट आपकी मेंसुरेशन 2D, क्लियर? हो सकता है काफी बच्चों के इनके बारे में पढ़ा लिखा पहले भी हो सकता है किसी को ना भी पता हो, तो मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। CAPF के ओरिएंटेड हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है वो पता होने चाहिए। हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे पेपर के अंदर, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो, ठीक है? और 3D के भी फॉर्मूले याद करने, उसके बाद अप्लाई करना सीखने की कहाँ पे कैसे अप्लाई होता है, और बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा अगर मैं बात करूँ CAPF की। FCAT वाले बच्चे भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको लाइन एंड एंगल के 2-4 कंसेप्ट बता देता हूं जो आपको पता होने चाहिए और आपके बीसी क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएंगे। और इसकी PDF नहीं मिलेगी क्योंकि ये मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो अपनी कॉपी पेन के अंदर आप इसको उठा के इसको नोट प्रॉपरली कर लेना ताकि आपको हर एक कंडीशन यहाँ पे पता चल जाए। लाइन एंड एंगल के अंदर अगर मैं बात करूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। मैं इन लाइन को पैरेलल कब बोल सकता हूँ, ठीक है? मैं इन लाइन को पैरेलल कब बोल सकता हूं, जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी सेम हो। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे जितनी मर्जी ये लाइन हमारी बढ़ती जाएगी, वहां पे भी जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसके ऊपर ऐसे कोई लाइन यहाँ पे गिरा देता हूँ, यहाँ पर ऐसे करते हुए 90 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर का सिंबल हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर और पैरेलल।
परपेंडिकुलर को ध्यान रखें, किसी किसी जगह के अंदर हम एल्टीट्यूड की वाइज भी यूज करेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है डिटेल में हम सीडीएस में जानकारी इसकी प्रॉपर देंगे आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, ये सारी चीज वहां पे भी पढ़ेंगे डिटेल में। बट आपको एल्टीट्यूड अभी के लिए याद रखना है, परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर जो हाइट होती है याद रख लो, मैं अभी बता रहा हूँ, ट्रायंगल क्या, कहीं भी आपके पूरे मेंसुरेशन के अंदर कहीं पे भी अगर हाइट आ गया, कहीं पे भी, कोई ऐसा नहीं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेज़ियम, कहीं पे भी हाइट आ गया तो वो आपका परपेंडिकुलर ही होता है, वो आपका एल्टीट्यूड ही होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला बेसिक पॉइंट पता चल गया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे एक लाइन क्लिक की तो इसके ऊपर पूरा का पूरा जो हमारे पास ये वाला सिंबल बनता है इसको हम बोलेंगे कि हमारे पास 180 डिग्री है। ये लाइन अगर ऐसे आएगी तो जो हमारे पास ये वाला एंगल बनेगा तो ये भी हमारे पास 180 डिग्री है। अगर हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे क्लिक करने के बाद ऐसे क्लिक कर दी और आपको बोल दिया कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल फाइंड करो, तो दूसरा एंगल 120 डिग्री होगा तभी आपके पास 180 बनेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक एंगल हमारे पास यहाँ पे कितने का होगा, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। यहाँ पे आपको मैं छोटा सा पॉइंट में समझा देता हूँ कि आपके पास अगर ऐसे है, अगर ये मेरे पास x होगा, ये मेरे पास y होगा, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है लाइन एंड एंगल की वो ये है कि अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है, अगर m और n है, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि m जो है वो पैरेलल है यहाँ पे n के, तो अगर इसके ऊपर मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर एक एंगल मेरे पास यहाँ पर ये वाला है x और ये वाला है y, याद रखना इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है जब हमारे पास ये लाइन पैरेलल होती है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करके दिखाता हूँ, आपको सारा कुछ ही समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जितने मर्जी क्वेश्चन आप कर लो इसी बेसिस के ऊपर पेपर के अंदर आएंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन हमें भी करनी पड़ सकती है। मान लो कुछ क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर आपको नहीं पता चल रहा, तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन जो है कुछ आपको बनाने हैं, वो आपको खुद भी एडजस्ट करने पड़ सकते हैं, क्लियर है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक लाइन क्लिक की, एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे, मैंने इसको बोला ये मेरे पास एम है और ये एन है, और यहाँ पे लिखा एम जो है वो पैरेलल है एन के, फिर मैंने लिखा यहाँ पर ये वाली पॉइंट ए है, ये वाली लाइन बी है, और ये भी आपस में पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है और एम और एन पैरेलल है। मैंने आपको बोल दिया कि चलो ये वाला एंगल मान लो कि आपके पास गिवन है 30 डिग्री, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, या फिर ये वाला एंगल कितना होगा, कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं हम इस कंडीशन के अंदर, सारे के सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 30 डिग्री होगा तो बताओ ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना होगा, 150 डिग्री, और अगर ये 150 है तो ये वाला 30 डिग्री होगा, तभी हमारी ये दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, इंटीरियर एंगल का सम 180 आएगा। अगर ये 30 है तो यहाँ पर ये 150 होगा तभी 180, अगर ये 150 है तो पूरा 180 होगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 30, और अगर ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा 180, और अगर 150 है तो ये वाला 30 होगा क्योंकि ये पैरेलल है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो बार बार 180 का सम हमारा बनता रहेगा और यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्लियर है। आपको समझ आ गया तो जितने मर्जी एंगल जो है ऐसे करते करते हम बना सकते हैं, एक बार कॉपी पेन पे ड्रॉ करके आप ये वाले एंगल भी निकाल के देख लो, ये भी आ जाएंगे, क्लियर। अब हम एक बेसिक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं लाइन एंड एंगल का, फिर हम आगे पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। मान लो मैं जैसे मर्जी ऐसे ऐसे कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, पक्का यही आएगा, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बट हाँ, लाइन एंड एंगल के कुछ फेमस क्वेश्चन है, एक तो है कैंची वाला क्वेश्चन, काफी फेमस है, जिसकी शेप जो है ऐसे करते होते आपको दिखेगी, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई शेप, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे दो लाइन है और यहाँ पे ऐसे करता हुआ, इसको बोल देंगे कैंची वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये याद करने का एक तरीका भी कह सकते हो। अगर ये मेरे पास यहाँ पर m है और n है, और m और n आपस में क्या है, हमारे पास यहाँ पे पैरेलल है, तो आगे आपसे कोई भी एंगल देखे कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं बार बार इस बात को आपको बता रहा हूँ, तो इसको आपने ध्यान में भी रखना है, ठीक है, ना ही कि ये याद कर लो कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, आपको नहीं इन चक्करों में पढ़ना, CAPF वालों को डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अगर आए तो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक सेकंड, इसमें एक क्वेश्चन और बना ले, हाँ चलो इतना ही ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री का है और ये वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री का है,
तो आपसे ये वाला एंगल पूछा जा सकता है या फिर वाई एंगल पूछा जा सकता है। आप सारे बच्चे इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके एक बार चेक करो कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। आई होप ट्राई कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो आप सारे बच्चे बताओ क्या m और n के पैरेलल में अपनी मर्जी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। हालांकि इसको बिना भी हम ड्रॉ करके कर सकते हैं, बट आप अपनी मर्जी से एक l ले लो। l जो है वो n के पैरेलल हमने अपनी मर्जी से ले लिया, तो यहाँ पर ये इनके पैरेलल ले लिया मैंने l, ये हमने अपनी मर्जी से लिया है। अगर ऐसा हुआ तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे जरा सोच के देखो कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये वाला एंगल की बात करें तो ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये वाला 150 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे पैरेलल, तो इंटीरियर एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। ऐसे ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये वाला एंगल जो भी आएगा वो हम कितना रखें कि 180 हमारा सम आ जाए, तो इसको यहाँ पे 110 डिग्री रखना पड़ेगा। और अगर मैं पूछूं आपसे y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का आ रहा है 150 और प्लस 110, तो आंसर कितना हो जाएगा 260 डिग्री का। क्लियर हो गया सब बच्चों को? आई होप सब बच्चों को ये वाला पॉइंट है, वो वाला सिस्टम जो है वो समझ आ चुका होगा, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, ये वाला सिस्टम समझ आ गया। अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा पैटर्न, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू ली है, तो देखो अगर यहाँ पर ये वाला एंगल आपके पास कितना हो चुका है 260 का हो चुका है, तो ये पूरा कितने का होगा, इसको दूसरे एंगल से बताता हूँ। ये वाला पूरा कितने का होगा भैया, ये वाला पूरा 180 आना चाहिए, 260 हो गया, गलत नहीं हो गया? तो मैंने ये वैल्यू गलत ले ली है, पेपर में आप ध्यान रखिए, पेपर में ठीक आएगा, आपका यही क्वेश्चन वाई का पूछा जाएगा, तो वाई का आंसर 260 हो जाएगा। क्लियर है? बाकी आप इसको ये वाले फॉर्मेट को सॉल्व करके देख लो, ये कितना आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो भी आपके वन बाय वन यहाँ पे निकल जाएंगे सॉल्व। ठीक है, सो अभी आगे बढ़ते हैं। 130 है, 70 है, हाँ ये वाई भी आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा वैसे तो। अब इसके बेसिस के ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की और एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, फिर इसको लाइन को ऐसे, और यहाँ पर ये बोल दिया मेरे पास एम और एन है, तो एम और एन आपके इसमें क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। अगर ये पैरेलल है तो आपसे यहाँ पे दो चार एंगल देके कुछ भी चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। क्लियर? सो यहाँ पर आपके पास ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, और यहां से ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे 130 डिग्री का। ठीक है, सो 130 डिग्री का ये होगा। एक्चुअली में मुझे क्या है, पंगा पड़ रहा है कि वैल्यू याद नहीं है। चलो रुके एक मिनट, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, अभी मुझे वैल्यू याद नहीं है, फिर से वो गड़बड़ हो जाएगी। बस आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर दो पैरेलल लाइन होगी हमारे पास, तो इनका इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ऐसे ही मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, अभी आपको बेसिक समझा गया तो बहुत है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन ज्यादा डिटेल में आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए पॉलीगन क्या है। पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, एनी क्लोज फिगर हैविंग एन नंबर ऑफ साइड, क्लोज फिगर को बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे। जैसे कि ट्रायंगल है वो स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, तीन साइड से ही क्लोज फिगर बनेगी, दो साइड से तो क्लोज बन ही नहीं सकते। फोर साइड इज ऑल्सो ए पॉलीगन, फाइव साइड इज ऑल्सो ए पॉलीगन, फाइव साइड इज कॉल्ड ए पेंटागन। क्लियर? एंड सिक्स साइड को क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, ये आपके बेसिक नाम है, आपको पता होना चाहिए, हेक्सागन। फिर हमारे पास सेवन का हेप्टागन, एट का आपके पास यहाँ पे, एट नाइन टेन ट्वेल्व तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं, पॉलीगन। इसमें से एक आपको यहाँ पे फेमस है, ये वाला छह साइड वाला, जिसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। और ये पता होना चाहिए फाइव साइड वाला, जिसको क्या बोलते हैं, पेंटागन। हेप्टागन सेवन होता है, वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एट नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ऑक्टागन। टेन नंबर इज डेकागन, नाइन नंबर इज नैनोगन, एंड ट्वेल्व नंबर इज डू डेकागन। डेकागन को डेकाइन भी बोलते हैं, बट आपके काम का नहीं है, आपको ये तीन चार पता होने चाहिए। ठीक है, इन सभी के अंदर पॉलीगन, ऐसा नहीं कि मैं एक फिक्स बता रहा हूं, पॉलीगन कोई भी हो, इन सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम, ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम, पॉलीगन चाहे छह साइड वाला है, चाहे तीन साइड वाला है, चाहे कोई भी है, वो हमेशा 360 डिग्री रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। मान लो एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये वाला एक्सटीरियर हो गया, इसको एक्सटेंड कर देंगे ये वाला एक्सटीरियर, इसको एक्सटेंड करेंगे ये,
इसको एक्सटेंड करेंगे ये। आपको पता है रेक्टेंगल में ये 90 होते हैं सारे के सारे, चाहे स्केयर है चाहे रेक्टेंगल है। अगर ये 90 होंगे तो बाहर वाले भी 90 होंगे, तो इन बाहर वालों का सम हमारा 360 आएगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अभी इसके अलावा आपको ये, इस कहानी के अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे ऑल इंटीरियर, इसको इंटरनल भी बोल देते हैं कई बार, बट आप याद रखना इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगन एन माइनस 180 डिग्री, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एन आपके पास अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, गलत लिख दिए, यहाँ पे एन माइनस 2 आएगा, रुको एक सेकंड, इसको दोबारा से लिखो, एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, सो एन अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 आएगा, यहीं से आएगा वो। 5 रखेंगे तो अलग सम आएगा, अलग रखेंगे तो अलग सम आएगा, क्लियर है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, उसकी साइड इक्वल होती है। अगर साइड इक्वल होंगी तो एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि पेंटागन है, उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो हमें पता है पेंटागन के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट इज द सम ऑफ द ऑल ऑफ द इंटीरियर एंगल, एंड डिवाइड बाय, अगर मैं नंबर ऑफ साइड से कर दूंगा तो एक एंगल आएगा। मैं रिपीट करता हूं यहां पे, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा, 3 इंटू 180 करेंगे, 540 डिग्री, 540 डिग्री पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम है सबका, बट अगर हमने एक एंगल लेना है तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो एक एंगल कितने का होगा, 108 डिग्री का होगा, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ ले जाए कि चलो ये तो चलो ठीक है, पेंटागन के बारे में बताओ, पेंटागन का ईच एक्सटीरियर एंगल, तो कोई भी आपके पास यहाँ पे पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अब 5 पेंटागन के अंदर होंगे तो एक एंगल कितने का आएगा, 72 डिग्री का आएगा। और यहां से आपको एक फॉर्मूला समझ आएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर को अगर मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री होगा। इंटीरियर कितना 108 डिग्री और एक्सटीरियर कितना है 72 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा मेरे पास। ये भी आप सारे बच्चे याद रखेंगे, ये हर एक पॉलीगन के अंदर काम आएगा आपके, क्लियर है। ये वाला फॉर्मेट याद रखें, ये वाला फॉर्मेट याद रखें आपको जो मैं समझा रहा हूं, और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये भी याद रखें, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पॉलीगन का लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि नंबर ऑफ डायगनल, नंबर ऑफ डायगनल के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन माइनस 3 डिवाइड बाय 2, इसके साथ हमें एन को भी मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा नंबर ऑफ डायगनल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ डायगनल हमारे कुछ ऐसे कंडीशन में होते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये बताओ यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ डायगनल होंगे, या डायगनल ट्रायंगल में कैसे बन जाएगा, आप इस पॉइंट को यहाँ पे कैसे मिलाओगे, वो तो उसकी साइड होगी ना, तो ट्रायंगल के अंदर कोई भी आपके पास वहां पे डायगनल नहीं होता। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछ लूं चलो यहाँ पर ये बताओ स्क्वायर के अंदर कितना होगा, एक डायगनल ये हो गया, दूसरा डायगनल ये हो गया, स्क्वायर की साइड कितनी है 4, तो हमारे पास जो n है वो साइड ही होता है, तो n को यहाँ पे अगर मैं 4 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो नंबर ऑफ डायगनल कितने आएंगे 2 आएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि कोई पॉलीगन है, हमें नहीं पता पॉलीगन का नाम क्या है, उसकी टोटल साइड 20 है, उसके अंदर 20 उसकी टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है, बताओ डायगनल क्या होंगे, तो क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 20 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ डायगनल आपके पास आएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, पार्ट नंबर 6 के ऊपर पढ़ते हैं अभी, अभी हम यहाँ पे ट्रायंगल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ट्रायंगल के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ट्रायंगल आपके पास स्केलिन, आइसोसेलस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल्स भी होती है, तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे बट शॉर्ट में। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल है, चाहे स्केलिन है
चाहे आइसोसेलस है, उसके एक बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे एक्यूट है चाहे ऑब्ट्यूज है, तो बेसिक पॉइंट नंबर आपको पहला पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सेकेंड, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। क्लियर? पार्ट नंबर नेक्स्ट थर्ड, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया, उसके अलावा सम ऑफ टू स्मॉलर साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड देन द थर्ड साइड। मान लो मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बनाई, मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये वाला पॉइंट है 4 और ये वाला पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे 5 और ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे रख देते हैं मान लो 7, तो क्या ये ट्रायंगल बन सकती है? ट्रायंगल के लिए क्या है, सम ऑफ ए टू साइड, सम ऑफ ए टू साइड मतलब 4++5 लिखा, मस्ट बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड से, हाँ बन सकती है, यस दैट इज ए पॉसिबल। बट अगर यहाँ पे 7 की बजाय मैं 17 लिख दूं, तो यहाँ पे देखो 4+5 9, 9 आपका यहाँ पे 17 से ग्रेटर नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर 17 से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। क्लियर है डाटा? तो ये आपके यहाँ पे काम आता है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ये आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी है, काफी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, ये नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर के अंदर आएगी तो ऐसे क्वेश्चन आपके होने चाहिए। क्लियर? 3 के बाद आपको यहाँ पे चौथा नंबर पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल इज सम ऑफ द ऑल साइड्स, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, तो सिर्फ बाउंड्री के ऊपर चलने को हम बोल देंगे पेरीमीटर। ठीक है, एक होता है हमारे पास यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, ये क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी हमने बाउंड्री पे चला, उसका हाफ कर दिया, इस कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। क्लियर? ये आपका बेसिक ऑफ ए ट्रायंगल है, हर एक बच्चे को ये याद ही रखने, आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, आज सिर्फ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो भी आपका मिस हुआ है आप उसको रिकॉर्डिंग में दोबारा से आप इसको नोट कर लेना हर एक चीज को। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, तो फास्ट ही चलेंगे अभी। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि ट्रायंगल के बारे में आपको और क्या क्या पता होना चाहिए। ट्रायंगल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड अगर मैं बात करूं यहां पे, सारे बच्चे ध्यान रखें इस पॉइंट को, ए बी और सी, अगर हम यहां पर बेस ए की ओपोजिट वाली को हम यहां पे देखो, सारे बच्चे ध्यान रखना, इसको एच वन ले रहा हूं, तो अगर आपसे एरिया पूछे तो हाफ इंटू जो मैं बेस उठाऊंगा ना बीसी, जहां के ऊपर ये हाइट आएगी, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है, तो बीसी इंटू एच वन होगा। ऐसे ही हाफ इंटू ए सी इंटू एच टू, वेयर इज एच टू, एच टू इज दैट पॉइंट, यहां से कोई परपेंडिकुलर यहां पे आएगा, जरूरी नहीं है कि ये मिड के ऊपर हो, मिड के ऊपर होने की बात नहीं कर रहे, जरूरी नहीं है वो। ठीक है, या फिर हाफ इंटू ए बी इंटू एच थ्री, हाफ इंटू ए बी इंटू एच थ्री, एच थ्री मेरा यहां से इधर को आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है एच टू और ये वाला पॉइंट है मेरे पास एच थ्री का। क्लियर है? सारे के सारे एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये भी एरिया, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है, एरिया भी तो बराबर होगा, सीधा सीधा फंडा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो हमारा हाइट होता है और कुछ नहीं होता, हाइट को ही नाम दिया जाता है परपेंडिकुलर को ही नाम दिया जाता है एल्टीट्यूड का, अलग नहीं होते, सारे सेम ही होते हैं। ठीक है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला, सीडीएस में आता है ये क्वेश्चन कि बिगेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करो, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करो। सो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी हाइट बिगेस्ट है, कौन सी छोटी है? उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ध्यान रखना, जो हमारे पास एसी है,
अगर वो एसी सबसे बिगेस्ट है, एसी अगर सबसे बिगेस्ट है एज कंपेयर टू बीसी एज कंपेयर टू एबी, तो जो हमारे पास सबसे बिगेस्ट साइड होगी उसका जो एल्टीट्यूड होगा, एसी का एल्टीट्यूड क्या था H1, ये सबसे आपका छोटा आएगा। बीसी अगर उससे बढ़िया है तो ये उसका बीसी वाला कौन है, यहाँ पे चेक कर लें, सॉरी एसी वाला H2 था, ठीक है, और बीसी वाला H1 है और AB वाला H3 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे बिगेस्ट साइड, तो उसका एल्टीट्यूड जो है वो सबसे छोटा होता है। कहानी समझ आ रही है, यहाँ पे साइड में लिख भी लो ताकि आपको क्लियर है। बिगेस्ट साइड और इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। उल्टा कर सकते हैं हम, अगर हमें यहाँ पे बिगेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए स्मॉलर साइड होगी। क्लियर है ये, आप सारे बच्चे इसको नोट कर लो, अगर हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड है तो बिगेस्ट एल्टीट्यूड होगा। क्लियर है डाटा। अब एल्टीट्यूड की कहानी खत्म, ये मैं कल बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, तब तक आप इनको याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए एक और लेके चलते हैं अभी, ट्राइंगल का एरिया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर ऑल दी ट्रेंगल्स, फॉर ऑल दी ट्रेंगल्स व्हाट इज दैट, दैट इज द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, दैट इज अनदर अप्रोच फॉर फाइंडिंग ए एरिया ऑफ ए ट्रेंगल। क्लियर, फॉर ऑल ट्रेंगल्स, बट मस्ट रिमेंबर दैट अगर हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल आ जाए, राइट एंगल ट्रेंगल क्या होते हैं, जिसमें एक एंगल आपका राइट होता है, राइट एंगल ट्रेंगल आ जाएगी तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, यहाँ पे लिखा ए बी सी, तो हमें पता है इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा ए बी, और हाइट क्या होगी ए सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा तो यही हाइट है उसकी। क्लियर, हालांकि हम ऊपर वाला अप्रोच यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट इससे आंसर आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं हाफ इंटू बी सी कर दूं और इसके ऊपर एक मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपनी मर्जी से गिरा दूं, परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना भी पड़ेगा, कई बार बच्चे इसको कुछ और ही समझ लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर आएगा पी, जिसको हम यहाँ पे पी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका एरिया आएगा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज इंपॉर्टेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया क्या होता है, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, सारी की सारी साइड इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसके सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 60-60 डिग्री के रहे होंगे तभी तो 180 डिग्री बनेगा। ये आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का बेसिक पॉइंट है, बेसिक अप्रोच है, वो यहाँ पे पता होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन रेडियस के बारे में। इनर रेडियस क्या होता है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया और उसके बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसको क्या कौन सा नाम देंगे हम, इन सेंटर का, और यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी साइड को टच करता हुआ निकलेगा, इस सर्कल को बोलते हैं इनर सर्कल। और जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से इसको रेडियस ड्रॉ कर दूं तो इस रेडियस को बोलते हैं हमारे पास इनर रेडियस, ठीक है। इनर रेडियस को डिनोट करते हैं हम यहाँ पे IR से, IR फॉर ऑल दी ट्रायंगल, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पैरामीटर, और ये फॉर ऑल दी ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल के लिए नहीं है, फॉर ऑल दी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सबके लिए लगेगा। बट IR का शॉर्टकट भी है हमारे पास, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस ऑफ हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2, दैट इज ओनली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, रिमेंबर दैट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, वेयर आपको ये पता होना चाहिए। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था कि अगर ये वाला एंगल उठाएंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए a डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ √3, दैट इज ओनली फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने अभी बताया था जिसकी सारी साइड बराबर होती है। और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, और जो इन सेंटर पॉइंट है ये आपका इक्वी डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है कहां से, इक्विडिस्टेंस होता है फ्रॉम दी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, फ्रॉम ऑल दी साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर,
ये डाटा जो है आप सारे बच्चे इसको नोट कर लो। क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट। याद करने वाला कहानी है, मैंने पहले बोला था फॉर्मूले बेस्ड चीजें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्कम सेंटर के रिलेटेड। सर्कम सेंटर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सर्कम सेंटर क्या होगा जिसको हम सी आर से डिनोट करते हैं। सर्कम सेंटर नहीं, सर्कम रेडियस, ठीक है। सर्कम रेडियस की बात करें, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक पॉइंट होगा, वहां से प्रकार रखे हम एक ऐसे सर्कल डिनोट करेंगे जो कि इसके वर्टेक्स को टच होता हुआ बाहर से एक सर्कल निकलेगा, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। और यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, क्योंकि यही तो रेडियस होगा यहाँ पे। और सर्कम रेडियस फॉर ऑल दी ट्रायंगल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दी साइड ऑफ ऑल दी ट्रायंगल डिवाइड बाय 4 इनटू एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, दैट इज ओनली दैट इज फॉर द ऑल ऑफ द ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल है सबके ऊपर ये वाला पॉइंट लगेगा। इसके अलावा और कहां पे लगेगा, इसके अलावा आपको यहां पर सी आर का फॉर्मूला ये भी पता होना चाहिए कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका हाफ कर देंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा कि सी आर इतना होगा हाइपोटेन्यूज का हाफ। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए सी आर जो होता है साइड डिवाइड बाय रूट 3 होता है फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको कुछ कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, सर्कम सेंटर, जो कि इक्वल दूरी के ऊपर है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम ऑल दी वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है, ये डाटा आपको यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, क्लियर। अब तक मैंने आपको यहाँ पर आज के सेशन में क्या कुछ करवा दिया है, अभी तक मैंने आपको पॉलीगन बताया, पॉलीगन का बेसिक, लाइन एंड एंगल का बेसिक, उसके बाद मैंने ट्रायंगल बताया, ट्रायंगल के लिए तीन चीजें बताई हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, फिर मैंने बताया पैरामीटर, फिर मैंने कुछ एरिया का डिस्कशन किया, फिर मैंने आपको आईआर और सीआर के बारे में बताया, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर मैं बात करूं आईआर रेशो सीआर की, तो ओनली फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी के लिए नहीं कह रहा, ओनली फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आईआर क्या होता है मेरे पास, साइड डिवाइड बाय 2√3, और सीआर क्या होता है साइड डिवाइड बाय 3। साइड हमारे पास सेम होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, तो 3 से ये कट गया, साइड से साइड कटेगी, इसको आप चेक करोगे तो ये आएगा 1:2 आएगा। क्लियर है डाटा, ये वाला डाटा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या डाटा मैंने बताया कि रेडियस की रेशियो 1:2 होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, क्लियर। सो पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, उन्होंने बोल दिया साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, बताओ आईआर और सीआर की रेशो क्या होगी, वो तब भी 1:2 रहेगी, 5 सेंटीमीटर होगा, साइड तो कट गई, 5 और 5 तो कट गया, तो आपके पास आंसर यही आएगा, ये चेंज नहीं हो सकता कभी, क्लियर है। और अगर आपके पास रेडियस आ चुका है तो आपसे एरिया भी पूछा जा सकता है, तो एरिया क्या होता है यहाँ पे, इन रेडियस है, सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल का रेडियस होता है पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, तो इनकी भी रेशियो क्या आएगी 1:4। ये कभी ना चेंज होने वाली बात है जो आप सब बच्चों को याद रखनी है, क्लियर। आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे, कल परसों के लिए 2-4 सेशन और भी आएंगे जहां पे आपको डिटेल अभी और पढ़ाया जाएगा रिलेटेड टू स्क्वायर सर्कल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेंसुरेशन थ्रू डी, ठीक है। जितना मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं सबके फॉर्मूले याद कर लेना, 1-2 दिन के बाद आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे 15-20, उन्हीं 15-20 क्वेश्चंस को करना है और फॉर्मूले बेस करना है, इसके अलावा नहीं आएगा पेपर के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चीज आएगी नहीं आएगी, बट फिर भी मेरा पर्सनली ये रहता है कि थोड़ा सा चीज आपको ज्यादा बता दी जाए, कुछ ऐसा रह ना जाए जिससे आपका एक आधा क्वेश्चन भी खराब हो, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।